नमस्कार दोस्तों, विंड्स ऑफ चेंज में आपका स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एक क्विक कंसाइज येट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हम आपको दे पाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी है। तो पहले हम देखेंगे स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ये भी स्टैटिक इनडिटरमिनेसी वो भी दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल जो होती है वो बीम, ट्रस और फ्रेम के लिए, तीनों के लिए सेम होती है। वी कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये तीनों के लिए सेम है, विच इज डी एस ई। एस ई मीन्स डी ऑफ एस ई मीन्स एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। सो इट इज इक्वल टू आर माइनस एस, वेयर आर वी कैन सी ऑन द स्क्रीन नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन एंड एस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो जनरली जो एस की वैल्यू होती है वो 3 के इक्वल होती है। नाउ कम्स टू द इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। इंटरनल का देखेंगे। इंटरनल फॉर बीम, बीम में कोई इंटरनल हमारे यानी कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, डेप्थ, इसलिए ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। फॉर द ट्रस, ट्रस m माइनस 2j प्लस 3, वेयर m इज नंबर ऑफ मेंबर्स और j नंबर ऑफ जॉइंट्स इन द ट्रस, नंबर ऑफ जॉइंट्स। और फॉर द फ्रेम जो हमारी इंटरनल इनडिटरमिनेसी होगी, 3 इंटू नंबर ऑफ क्लोज सेल, यानी जितने क्लोज सेल होंगे उनका जो नंबर होंगे उनको गिन लेंगे, इंटू 3 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे इंटरनल इनडिटरमिनेसी आ जाएगी। लेट्स सी, सपोज दैट एक फ्रेम ये है, यहाँ पे अगर हम डी एस आई निकालेंगे तो यहाँ पे क्लोज सेल 1 एंड 2, तो ये 3 into 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब जो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी है वो सम होगी एक्सटर्नल और इंटरनल इनडिटरमिनेसी का। तो यहाँ पे टोटल टोटल जो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी है वो इक्वल टू होगी डीएससी इक्वल टू डीएसई प्लस डीएसआई। तो बीम के लिए जब दोनों का सम करेंगे तो ये आर माइनस एस ही आएगा, क्योंकि इंटरनल हमारी कोई था ही नहीं, वी कैन सी ऑन द स्क्रीन। फॉर द ट्रस जो आएगा डी एस सी एम माइनस 2j प्लस आर, और फॉर फ्रेम, फ्रेम के लिए 3 इंटू नंबर ऑफ कट नेसेसरी टू मेक स्टेबल कंटिन्यूअर, दिस इज फॉर द फ्रेम। ऑल्सो जो फ्रेम के लिए फॉर्मूला होगा वो 3m माइनस 3j प्लस आर। वी नो एम जो होता है या नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फ्रेम, जे जॉइंट इन द फ्रेम, प्लस आर जो होगा वो आर है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन। नाउ स्पेस ट्रस की बात करें, उसकी हमारी जो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी होगी वो एम माइनस 2j प्लस आर। अब हमने जो ट्रस यहां ऊपर देखा था उसमें क्या थी, m माइनस 2j प्लस आर, वी कैन सी। और यहां पे स्पेस ट्रस की बात आएगी तो यहां पे 2 की जगह 3 लग जाएगा बस। अब जब स्पेस फ्रेम की बात करेंगे तो वहां 6m माइनस 6j प्लस आर होगा, जबकि हमने यहां पे देखा जो फ्रेम के लिए, नॉर्मल फ्रेम के लिए वो 3m माइनस 3j प्लस आर है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम डीके। तो बीम के लिए देखिए डीके एक्सटेंसिबल होगा तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट हम पता कर लेंगे और उससे हमारा ये नंबर निकल आएगा। और डीके इन एक्सटेंसिबल के लिए डीके एक्सटेंसिबल माइनस नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंटेड। जितने भी हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट किया है उनको घटा देंगे तो हमारा इन एक्सटेंसिबल डीके आ जाएगा। फॉर ट्रस के लिए, ट्रस किसी भी पॉइंट पर नंबर ऑफ दी जो
डिग्री ऑफ द फ्रीडम होगा वो किसी भी पॉइंट पे टू होगा, ये याद रखेंगे। फ्रेम के लिए डीके एट एनी पॉइंट थ्री, और अगर इन एक्सटेंसिबल फ्रेम होगा तो एक्सटेंसिबल माइनस नंबर ऑफ एक्सली रिजिड नंबर कर देंगे तो हमारा डीके ऑफ इन एक्सटेंसिबल फ्रेम का आ जाएगा। नाउ हम देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग शिप के लिए डीके सिक्स होगा, ठीक है। अब नाउ वी कैन सी ए फ्रेम एग्जांपल हियर फॉर द डीके, नॉर्मल कहीं पे होगा तो यहाँ पे डीके थ्री होगा, वी कैन सी जहां पे हिंज नहीं है वहां डीके इक्वल टू थ्री है, बट यहाँ पे हिंज आ गया तो देखिए हिंज आ गया तो यहाँ पे जो जॉइंट मेंबर है वन टू थ्री उस हिंज से जॉइंट मेंबर थ्री है और थ्री ऑलरेडी होता है पॉइंट पे और उसमें से एक घटा देंगे, यानी जॉइंट मेंबर थ्री किसी भी पॉइंट पे और थ्री जॉइंट मेंबर माइनस वन ये कर देंगे तो हमारा डीके इक्वल टू फाइव आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जॉइंट नंबर फोर है, जॉइंट मेंबर फोर है, थ्री हमारा किसी पॉइंट पे भी डीके होता है, माइनस वन कर देंगे तो हमारा सिक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो देख सकते हैं केवल यहाँ पे एक डीके एक ही होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में वो प्रिवेंटेड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रिवेंटेड है, तो यहाँ पे देखिए थीटा और डेल्टा एक्स होगा एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहाँ पे डीके वन होगा डेल्टा एक्स ही होगा यहाँ पे, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होगा। अब रिलीज इन द स्ट्रक्चर एक्सियल थ्रस्ट रिलीज कितने टाइप के होते हैं, तीन, एक्सियल थ्रस्ट, शियर रिलीज और मोमेंट रिलीज, ठीक है। जब हम इस टाइप से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोलर दे देंगे और उनमें हम गैप प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एक्सियल फोर्स जीरो होगा और डीके यहाँ पे फोर होगा। यू कैन सी दो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है और एक थीटा है। नाउ कम्स टू द शियर रिलीज, यहाँ पे शियर फोर्स जीरो होता है, कैसे हम लोग इस टाइप का अरेंजमेंट कर देंगे, रोलर इस टाइप से प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा शियर फोर्स जीरो होगा। डीके यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, दो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा और एक हमारा ये रोटेशनल कंपोनेंट होगा। नाउ मोमेंट रिलीज पे आते हैं, मोमेंट यहाँ पे जीरो होगा, डीके इक्वल टू फोर, क्योंकि यहाँ पे डीके जो होगा ये फोर होगा, यहाँ पे हिंज प्रोवाइड की गई है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा और दो हमारे यहाँ पे रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हो गए। अब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या है, कैसे चेक करते हैं, तो ये भी दो टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल जो होती है वो सपोर्ट रिएक्शन की वजह से होती है, और पहला जो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी होता है यानी उसे ज्योमेट्रिक टाइप की होती है, ये किस ये ज्योमेट्रिक अनस्टेबिलिटी किसके कारण होती है, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट, यानी मैकेनिक्स जब फॉर्म हो जाती है तो ज्योमेट्रिक होती है। स्टैटिक जब तीन से कम सपोर्ट रिएक्शन होंगे तो यहाँ पे स्टैटिक इनडिटरमिनेंट, इंटरनल कब होगी जब स्टेबिलिटी विद इन द स्ट्रक्चर होगी तो फिर एक्सटर्नल होगी। मैकेनिज्म टाइप की होती है रिजिड बॉडी रोटेशन और रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। रोटेशन कब होगा जब थ्री रिएक्शन आर कॉन्करेंट, तीनों रिएक्शन कॉन्करेंट होंगी, और जब थ्री रिएक्शन पहले होगी तो रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन होगा। नाउ कम टू द सेकेंड चैप्टर आर्चेस। तो आर्चेज में पहला जो टॉपिक है वो थ्री हिंज आर्चेज है। थ्री हिंज आर्चेज में स्टैटिक इक्वेशन से ही या इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही हम सब कुछ डिटरमाइन कर लेते हैं। तो थ्री हिंज आर्चेज में भी तीन पार्ट होते हैं, सेमी सर्कुलर जब हो, सेकेंड होगी पैराबोलिक, और पैराबोलिक में भी जब सेम लेवल पे हो और जब डिफरेंट लेवल पे हो,
तो ये तीन टाइप हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले सेमी सर्कुलर देखेंगे, सेमी सर्कुलर में जब पॉइंट लोड लगा होगा, W पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए बराबर एच टू इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू आएगा, और डी एस बराबर जीरो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के हम कहीं भी बेंडिंग मोमेंट यानी निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द जब सेमी सर्कुलर थ्री हिंज आर्च में यूडीएल लगा हो, यूडीएल लगा होगा तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा डब्ल्यू आर बाई टू होगा, और यहाँ पे मोमेंट जो मैक्सिमम होगा माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई एट होगा, जो थीटा इक्वल टू थर्टी, ये थीटा है और 30 डिग्री पे हमें मिलेगा, और यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं वी ए वी बी डब्ल्यू आर। अब नाउ पैराबोलिक पे आ जाते हैं। पैराबोलिक जो होगी, पहला टाइप देखते हैं पैराबोलिक में, जब अबूटमेंट एट सेम लेवल पे जब रखे हुए हैं, तो इसमें पैराबोलिक जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू फोर एच एक्स अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस एक्स, ठीक है। तो फॉर एप्सलूट, जब हमें मैक्सिमम एप्सलूट एम मैक्स चाहिए, तो x बराबर जीरो बाई टू डबल वन एल होता है x, ये देखिए 0.211 L फॉर द मैक्सिमम मोमेंट ड्यू टू पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड अगर लगा हुआ है कोई W, यहाँ पे हमें मैक्सिमम मोमेंट चाहिए, तो x इक्वल टू 0.211 L करेंगे। नाउ जो हमारी मोमेंट इक्वेशन होती है वी एक्स माइनस एच वाई, तो ये वी एक्स क्या होती है, बीम मोमेंट होता है, और ये एच मोमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल जो हमारी रिएक्शन होगा उसके ड्यू टू मोमेंट होता है, और ये बीम के ड्यू टू मोमेंट होता है। तो हमारा ग्राफ यानी आई एल डी एम एक्स का कैसे बनता है, आई एल डी ए बी बाई एल होता है, ये बीम का आई एल डी है, और जो हमारे हॉरिजॉन्टल मोमेंट का आई एल डी है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के थ्रू जो आई एल डी है उसमें से घटा देंगे, तो हमें एम एक्स किसी भी पॉइंट पे मोमेंट का आई एल डी मिल जाएगा। और हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन के थ्रू मोमेंट है उसका आई एल डी यहाँ पे बना हुआ है, वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो ये एम एक्स का आई एल डी है, यानी किसी भी एक्स पॉइंट पे मोमेंट की ये आई एल डी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, और इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के वजह से आई एल डी ये है, एल अपॉन फोर एच इसका कोऑर्डिनेट होता है ऑन द हाईएस्ट पॉइंट। नाउ नॉर्मल थ्रस्ट एन टी क्या होगा, एच कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा, और रेडियल सीयर क्या होगा, एस आर इक्वल टू वी कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा। थीटा को हॉरिजॉन्टल से हम लोग मेजर करेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट लोड की जगह यूडीएल है, UDL में क्या होगा, बी ए प्लस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन टू, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट एच है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमारे याद करने के लिए बहुत जरूरी है कि एम एक्स यहाँ पे जो होगा किसी भी पॉइंट एक्स पे हमारा जो मोमेंट होगा यूडीएल जब लगेगा थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च पे, तो हमारा एम एक्स जीरो होगा और जो रेडियल सियर होगा वो जीरो होगा, बट नॉर्मल थ्रस्ट हमारा जीरो नहीं होगा। तो ये याद रखना है कि यूडीएल के थ्रू थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च पे जब यूडीएल लगता है तो हमारा जो हमारा मोमेंट है वो किसी भी पॉइंट पे जीरो होगा और रेडियल सियर भी जीरो होगा। नाउ सी टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स होता है, हम जो वाई की इक्वेशन देख रहे थे ऊपर ये इक्वेशन, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा जिससे हम थीटा निकाल सकते हैं। नाउ पैराबोलिक में जब अबूटमेंट ऑन डिफरेंट लेवल, यानी डिफरेंट लेवल पे इनके जो नीचे अबूटमेंट है वो डिफरेंट लेवल पे होंगे, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बी टू पॉइंट लोड होगा वो डब्ल्यू एल अपॉन अंडर रूट एच वन प्लस अंडर रूट एच टू का होल स्क्वायर। अगर यूडीएल लगा होगा तो हमारा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू अंडर रूट एच वन प्लस अंडर रूट एस टू का होल स्क्वायर, वी कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब टेम्परेचर इफेक्ट इन थ्री हिंज आर्चेस, अब टेम्परेचर इफेक्ट देखते हैं। जब कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगा होगा तो कोई कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, केवल डेल्टा एच
बढ़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा एच कितना बढ़ेगा, डेल्टा एच इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर अपॉन फोर एच अल्फा टी। अगर यूडीएल लगा होगा, यूडीएल लगा होगा तो हमारे स्ट्रेस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो डिक्रीज इन एच यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में डिक्रीज जो है वो यहाँ पे एच को इंक्रीज करेगा। वी कैन सी द रिलेशन, तो हमें ये याद रखना है दोनों टेम्परेचर इफेक्ट। नाउ टू हिंज आर्चेस, टू हिंज आर्चेस में क्या होता है, डीएस इक्वल टू वन होता है, तो हमें एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के साथ साथ वन कॉम्पेबिलिटी इक्वेशन भी चाहिए टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक कॉम्पेबिलिटी इक्वेशन से हम लोग ये रिजल्ट एच की ये वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ अल्फा टी एल जो है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, ये एल अपॉन ए रिप सॉल्टनिंग की वजह से होता है, और के जो होता है यील्डिंग ऑफ द सपोर्ट होता है। तो सपोज दैट कोई पूछे कि यील्डिंग ऑफ सपोर्ट ज्यादा हो रही है या बढ़ रही है, तो हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन टू हिंज आर्चेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें ये बताना है कि वो घट जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं गेट और ईएससी में। अब टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च, इसमें देखेंगे पॉइंट लोड की वजह से क्या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी। पॉइंट लोड जब यहाँ पे डब्ल्यू लगा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी एच इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पाई साइन स्क्वायर अल्फा। तो फॉर द पॉइंट सी, दिस पॉइंट सी अल्फा 90 होगा तो एच इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं थ्री हिंज सेमी सर्कुलर आर्च में जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है वो ज्यादा होती है इन कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इन टू हिंज सेमी सर्कुलर है। वहां पे क्या होती है, वहां पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है वो डब्ल्यू बाई टू होती है थ्री हिंज में, थ्री हिंज में डब्ल्यू बाई टू होती है और यहाँ पे डब्ल्यू अपॉन पाई होगी। तो यहाँ पे थ्री हिंज सेमी सर्कुलर आर्च में ज्यादा होती है, और जब टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च में यूडीएल लगा हो तो फोर बाई थ्री डब्ल्यू आर अपॉन पाई, जब यूवीएल लगा हो तो एच इक्वल टू टू बाई थ्री डब्ल्यू आर अपॉन पाई, यूवीएल एंड यूडीएल। वी कैन सी नाउ अब पैराबोलिक टू हिंज आर्चेज हो और उस पर पॉइंट लोड डब्ल्यू लगा हो तो उसकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी 25/128 डब्ल्यू एल अपॉन एच। वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एच इक्वल टू 25/128 डब्ल्यू एल अपॉन एच, जब यूडीएल लगा हो तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच, ये थ्री इंच आर्चेज में भी यही आता है, और किसी भी पॉइंट पे जो मोमेंट होगा और रेडियस शियर होगा ये हमने बताया था जीरो होगा ये थ्री इंच आर्चेज में। तो ऐसा टू इंच आर्चेज में भी यूडीएल जब लगा हो और पहला पैराबोलिक आर्च हो तो ऐसा टू हिंज आर्चेज में भी ट्रू होगा। नाउ हाफ यूडीएल करेंगे तो यहाँ पे इन कंपेयर टू यूडीएल यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी वो भी हाफ हो जाएगी, यूवीएल करेंगे तो भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हाफ हो जाएगी। तो ये हमारा जो आर्चेज वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, केबल। केबल केबल के कुछ चार पांच पॉइंट हैं जो घुमा घुमा के बार बार पूछे जाते हैं, जिन्हें आपको बहुत ही ज्यादा याद रखने की जरूरत है। तो पहला है सेफ ऑफ एनी केबल ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने वेट के कारण किसी भी केबल का जो सेफ होता है वो कैटेनरी होता है। कैटेनरी, कैटेनरी क्या होता है, एक खास हाइपरबोलिक फंक्शन होता है उसके सेफ में ये आ जाता है। तो यूडीएल जब लगेगा तो उसकी सेफ की उसका जो सेफ है वो पैराबोला हो जाएगा। वी कैन सी यानी सेप ऑफ एनी केबल ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने वेट की वजह से जो सेबल केबल का सेप होगा वो कैटेनरी होगा। वी कैन सी कैटेनरी क्या होता है, एक कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, तथा यूडीएल की वजह से जो सेप होगा हमारा वो पैराबोलिक हो जाएगा। नाउ कम टू द फेनिकुलर या स्ट्रिंग पॉलीगन। स्ट्रिंग पॉलीगन क्या होता है, स्ट्रिंग पॉलीगन जो केबल बीएमडी का सेप ले सकती है उसे स्ट्रिंग पॉलीगन कहते हैं। और यहाँ पे एक्सियल थ्रस्ट जो होता है वो केवल काम करता है, बेंडिंग मोमेंट ऑफ सीयर नहीं काम करता है फेनिकुलर पॉलीगन में। नाउ मैक्सिमम टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट एंड मिनिमम टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट।
लार्जेस्ट सैग कहाँ होगा, जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा लार्जेस्ट सैग निकालने के लिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट को जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे लार्जेस्ट सैग मिलेगा हमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर ट्रसेस। ट्रसेस में हम लोग देख चुके हैं एम माइनस टू जे प्लस थ्री जो होता है, अगर जीरो होगा तो परफेक्ट स्टेबल ट्रस होगा, अगर ये लेस देन जीरो होगा तो अनस्टेबल और डिफिशियंट टेस्ट होगा, अगर ये एम माइनस टू जे प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो रिडंडेंट ट्रस होगा, काउंटर ब्रेसिंग होगी। एनालिसिस ऑफ द ट्रस दो टाइप से की जाती है, मेथड ऑफ जॉइंट, जॉइंट पे हम लोग एनालिसिस करते हैं और सेक्शन गार्ड के एनालिसिस करते हैं। अब किसी भी ट्रस में किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है तो डेल्टा इक्वल टू सिग्मा पी के एल अपॉन ए होता है। वहां पे पी वन पी टू पी थ्री क्या होता है, फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ड्यू टू अप्लाइड लोड, जो हम लोड अप्लाइड करते हैं उसके कारण जो फोर्स होता है, और ये के वन के टू क्या होता है, फोर्स इन ऑल द मेंबर ड्यू टू यूनिट लोड जो हम अप्लाइड करते हैं एट द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड डेल्टा। तो जहां पे डेल्टा फाइंड करना होता है वहां पे यूनिट लोड अप्लाइड कर देते हैं तथा सभी मेंबर में फोर्स फाइंड कर लेते हैं, जैसे के वन के टू के थ्री या के बोलते हैं। नाउ रिजिड बॉडी रोटेशन एट द एरिंग मेंबर ए, तो रिजिड बॉडी रोटेशन पता करने के लिए पहले क्या करेंगे, वन अपॉन ए लोड अप्लाई करेंगे ऑन द बोथ जॉइंट ऑफ द मेंबर इन अपोजिट डायरेक्शन, और उसके बाद उससे हमें के वन के टू के थ्री मिल जाएगा। तो थीटा जो हो जाएगा, ये देखिए वन अपॉन ए जो हमने दोनों ही जॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड किया है, तो थीटा इक्वल टू पी के एल अपॉन ए। इफ डिफ्लेक्शन इज गिवन ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण हमें डिफ्लेक्शन दिया है, तो डेल्टा वी ए इक्वल टू सिग्मा के डेल्टा हो जाएगा, वेयर डेल्टा इक्वल टू अल्फा टी एल, और अगर टेम्परेचर चेंज के साथ लोड अप्लाइड भी दिया है तो डेल्टा इक्वल टू अल्फा टी एल प्लस पी एल अपॉन ए हो जाएगा। नाउ फोर्सेस इन द एनी मेंबर ट्रस ए बी, हमें फोर्स पता करना है ड्यू टू ट्रस ए बी, तो ये एफ ए बी इक्वल टू माइनस ए अपॉन एल डेल्टा एक्स माइनस बी एक्स कॉस थीटा ए बी प्लस डेल्टा ए वाई माइनस डेल्टा बी वाई साइन थीटा ए बी, ये होगा। थीटा को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो नाउ कम टू द इम्पैक्ट लोडिंग, इम्पैक्ट लोडिंग में क्या है, डायनेमिक एक्शन ऑफ द मूविंग लोड, तो ये स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए वन प्लस अंडर रूट वन प्लस टू एच अपॉन सिग्मा एस टी। सिग्मा एस टी क्या होगा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्टैटिक लोड डब्ल्यू एल अपॉन ए होता है, तथा डिफ्लेक्शन जो हमारा डायनेमिक है वो होगा डेल्टा एस टी वन प्लस अंडर रूट वन प्लस टू एच अपॉन डेल्टा एस टी। स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने की क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, तो पहली टेक्निक है स्ट्रेन एनर्जी और यूनिट लोड मैटर, ये कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम पे काम करता है। कैस्टिग्लियानो की फर्स्ट थ्योरम होती है डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू डी यू अपॉन डी सिग्मा, और कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम जो है वो डेल्टा इक्वल टू डी यू अपॉन डी पी एंड थीटा इक्वल टू डी यू अपॉन डी एम। नाउ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट, वी कैन सी ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट एम स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टू ए आई का इंटीग्रेशन करेगा तो हमें स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी, और जब डी यू अपॉन डी पी करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, विच इज देखिए हम स्क्रीन में देख रहे हैं ये डिफ्लेक्शन होगा, और जो हमें रोटेशन होगा अगर डी यू अपॉन डी एम करेंगे तो हमें रोटेशन मिल जाएगा, वी कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथड है डेवलप्ड बाई हैंडी क्रॉस, अगर हम फिक्स इन मोमेंट लिख रहे हैं तो क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। फॉर बीएमडी लिख रहे हैं तो सैगिंग ये होगी और हॉगिंग इस डायरेक्शन में होगी। नाउ फिक्स इन मोमेंट हम पता करेंगे जब इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, बीच में पॉइंट पी लगा होगा हमें, तो फिक्स बीम है ये, तो माइनस पी एल एम ए बी जो होगा माइनस पी आई बल पी एल अपॉन एट होगा, और एम बी ए होगा पी एल अपॉन एट। वी कैन सी all the results in fixed beam minus PAB square upon L square P square B upon L square minus W L square by 12 W, जब हमारा यहाँ पे UDL होगा, जब UVL हो गया तो minus W L square by 30 और W L square by 20। देखिए सेम नहीं है ये, याद रखना है हमें, अगर हमें इस टाइप का लोड लगा होगा तो minus 5 by
96 WL square एंड 5/96 WL square. नाउ जब मोमेंट लगा होगा तो m0/4 m0/4. अब नाउ सेवेंथ पार्ट m0/B 3A-L/L² m0/A 3B-L/L². Now come to the carryover moment, carryover factor and stiffness factor. We can see on the screen the far end fix है तो m/2 होगा carryover moment, carryover factor 1/2 होगा और 4EI/L stiffness factor होगा. जब far end hinge है तो m=0 और carryover factor भी 0 होगा और stiffness 3EI/L होगी. और जब फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर पे मोमेंट अप्लाइड किया जाएगा तो m=-m और ये -1 होगा और ये 3EI/L होगा. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DF=K/σK होता है. नाउ कम टू द एरिया मोमेंट मेथड. एरिया मोमेंट मेथड इज बेसिकली मोहर थ्योरम. मोहर फर्स्ट थ्योरम क्या कहलाती है कि किसी भी स्ट्रक्चर में थीटा क्या होता है, एरिया ऑफ मोमेंट डायग्राम अपॉन EI, एरिया ऑफ मूवमेंट डायग्राम अपॉन EI, A अपॉन EI. और किसी भी स्ट्रक्चर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे मूवमेंट डायग्राम का अपॉन EI, AX^EI. वी कैन सी फ्रॉम प्रॉब्ड कैंटिलीवर बीम के लिए AX^=0 होगा. AX^ एरिया मूवमेंट ऑफ द BMD अबाउट फ्री इंड. और फॉर फिक्स्ड बीम के लिए पॉजिटिव एरिया ऑफ द BMD -नेगेटिव एरिया होगा. मूवमेंट डिफ्लेक्शन मेथड. नाउ किसके ऐसे मैंने ने दिया था, फॉर लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर नंबर ऑफ इक्वेशन इन स्लोप डिफ्लेक्शन DK. DK नंबर ऑफ इक्वेशन होगी तो m AB = m^AB + 2EI/L (2θA + θB - 3θA). इसमें हम लोग डेल्टा कैसे निकालेंगे, अगर ये जो हमारा राइट साइड में बीम है वो डेल्टा अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये नेगेटिव होगा, डेल्टा अगर नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रही है तो पॉजिटिव होगा. नाउ कैप्लिकॉन थ्री मोमेंट थ्योरम ये कंटिन्यूअस बीम के लिए होती है. द फॉर्मूला वी कैन सी ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे जो A1 होगा एरिया ऑफ BMD फॉर द स्पैन AB, A2 होगा एरिया ऑफ 3 BMD फॉर स्पैन BC और सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ BMD ऑफ AB फ्रॉम A जो X1 बार होगा और X2 बार क्या होगा, सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ 3 BMD और BC फ्रॉम C से. ये चीजें याद रखनी है हमें यार. और नाउ कम टू द अप्रोक्सीमेट मेथड. अप्रोक्सीमेट मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, मल्टी स्टोरी फ्रेम के में जब हॉरिजॉन्टल या विंड लोड लगा होता है, हॉरिजॉन्टल लोड विंड और अपसर्व लोड लगा होता है तो हम लोग अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज करते हैं. तो इसमें पहला मेथड है पोर्टल मेथड. ये लो राइज फ्रेम के लिए यूज होता है, यानी लो राइज फ्रेम क्या होते हैं, हाइट जो होती है वो कम होती है विज से. एजम्पशन क्या मानेंगे, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर यानी हिंज सबके मिडिल में होगी, मिडिल ऑफ द बीम एंड कॉलम. इंटीरियर कॉलम टेक ट्वाइस शेयर देन एक्सटीरियर कॉलम. जो इंटीरियर कॉलम होगा वो 2 गुना ज्यादा शेयर लेगा एक्सटीरियर कॉलम से. नाउ कंटिलीवर मेथड, 2 मेथड है पोर्टल और कंटिलीवर. कंटिलीवर जो होगा हाई राइज फ्रेम का और जो पोर्टल था लो राइज फ्रेम के लिए था. तो हाई राइज क्या होंगे, हाइट ज्यादा होगी जिनकी, विड्थ से कम होगी, विड्थ कम होगी. नाउ फ्रेम आर्किटेक्ट कंटिलीवर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर इज एट मिडिल ऑफ ईच बीम एंड कॉलम. ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस इन ईच बीम इज प्रोपोर्शनल टू इस डिस्टेंस फ्रॉम CG ऑफ एरिया ऑफ कॉलम ग्रुप एट एनी लेवल. Now, moves to the matrix method of analysis. Matrix method में 2 type के method होते हैं. For the पहला है force, flexibility and compatibility method. दूसरा है displacement, stiffness and equilibrium method. तो force method में DK is greater than DS. तो order of matrix होता है DS, जो छोटा है. यहाँ पे DS कम है तो ये order of the matrix होगा और number of unknown भी यहाँ पे DS होंगे. Now डिस्प्लेसमेंट मैथड में DS इज ग्रेटर देन DK होता है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे DK होगा और नंबर ऑफ अननोन डिटरमाइन DK होंगे. यहाँ पे क्या डिटरमाइन करते हैं, फोर्स मैथड में फोर्स रिएक्शन
शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये सब, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, स्लोप, डिफ्लेक्शन, ये सब अननोन होते हैं। और यहाँ पे कॉम्पेबिलिटी इक्वेशन की भी जरूरत होती है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम पता कर लेते हैं। नाउ इसके एग्जांपल हम लोगों के याद रखने हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पे जो फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्पेबिलिटी मेथड के एग्जाम्पल हैं, वर्चुअल वर्क, फ्री मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, कॉलम एनोलॉजी, कैस्टिगलियानो एंड फ्लेक्सिबल। और जो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है वो स्लोप डिफ्लेक्शन है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन, यानी स्लोप डिफ्लेक्शन का सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। कानीमेटेड जो होता है वो आइटरेटिव वर्जन ऑफ द स्लोप डिफ्लेक्शन होता है। स्टिफनेस मैट्रिक्स मैटर मैट्रिक वर्जन ऑफ द स्लोप डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। नाउ कम टू द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मैथड, इसकी डिटेल जान लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू यूनिट लोड। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैव डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज पॉजिटिव। तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी 1-2 लिखी हुई है तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट 1 ड्यू टू लोड एट पॉइंट 2। अगर 2-1 लिखा होगा तो डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट 2 ड्यू टू लोड एट पॉइंट 1। नाउ फ्रॉम मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से अगर डिस्प्लेसमेंट एट 1 ड्यू टू पॉइंट लोड 2, यानी डेल्टा 1-2 इक्वल टू डेल्टा 2-1 हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन के लिए हमने क्या करते हैं कि एक किसी भी पॉइंट पे जिस पे फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन करनी है उन्हें यूनिट लोड देते हैं, और फिर डिस्प्लेसमेंट और सभी जगह हम फाइंड कर सकते हैं जिससे कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। नाउ कम टू द स्टिफनेस मैट्रिक्स। स्टिफनेस क्या है? स्टिफनेस लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिक डिस्प्लेसमेंट, यानी जो हमारा यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हम लोड प्रोवाइड करते हैं उसे स्टिफनेस कहते हैं। अब ये क्या होता है? स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट इसमें भी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अगर कहीं के 1-2 लिखा हुआ है तो लोड एट पॉइंट 1 टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 2, और के 2-1 लिखा है लोड एट पॉइंट 2 टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1। तो फ्रॉम मैक्सिमल रेसिप्रोकल थ्योरम K12 बराबर K21। अब कैसे डिटरमाइन करते हैं? फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द स्टिफनेस एट पॉइंट गिवन यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट द कोऑर्डिनेट आफ्टर फिक्सिंग ऑल द, सभी कोऑर्डिनेट को हम फिक्स कर देंगे और जहां पे हमें स्टिफनेस निकालनी है वहां पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे जिससे कि हमें फोर्स पता चल जाएगा सभी कोऑर्डिनेट। इसके अलावा कुछ नोट में देखिए क्या बातें लिखी हुई। पहला, स्टिफनेस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एंड वाइस वर्सा, यानी स्टिफनेस मैट्रिक्स जो होगी वो इनवर्स ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होती है, और दिस इज द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर द स्टिफनेस एंड रिएक्शन मैट्रिक्स। आर मैट्रिक्स इक्वल टू के मैट्रिक्स इंटू डेल्टा मैट्रिक्स। डेल्टा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स या सेटलमेंट ऑफ द सपोर्ट। थैंक यू।